Asalaamu Alaikum, viewers, and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So, in this video, we are going to start chapter 3 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, i request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback so let's move towards the discussion chapter 3 of specific relief act basically deals with the topic of, of rectification of instruments

इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आपने पार्टीज ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसको रिटर्न फॉर्म में लाया इसको सिंपली हम कोई भी एग्रीमेंट कह सकते हैं कोई भी विल कोई भी प्रोमिजरी नोट और रेक्टिफिकेशन से क्या मुराद है कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आपने लीगल डॉक्यूमेंट जो रिटर्न फॉर्म में लाया है इसमें किसी तरह की कोई एरर आ गई है कोई मिस्टेक आ गई है तो उसको दुरुस्त करने के लिए उसकी तस् करने के लिए रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सूट फाइल किया जाता है

पार्टीज़ ने कोई फ्रॉड किया हो किसी पार्टी की तरफ से कोई फ्रॉड किया हो या दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोई म्यूचुअल मिस्टेक हो और जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने रिटर्न में लाया है उस कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त पार्टीज की इंटेंशन कुछ और थी लेकिन फ्रॉड करके या म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज की इंटेंशन थी वो टोटली totally चेंज हो गई मीन्स से जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब पार्टीज़ की इंटेंशन कुछ और थी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लेकिन किसी एक पार्टी के फ्रॉड की वजह से या दोनों पार्टीज़ के म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन ही बिल्कुल चेंज हो गई तो इधर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे इंस्टीट्यूट हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड तो ऐसी सूरत में कोई भी पार्टी सूट फाइल कर सकती है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मुतालिक कोई भी पार्टी या उस पार्टी का रेप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है फॉर दी करेक्शन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर दी रेटिफिकेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट फिर फर्दर इस सेक्शन में क्या कहा गया है एंड

किसी पार्टी के फ्रॉड की वजह से या दोनों पार्टीज के म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करने की जरूरत है तो फिर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करते हुए अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई करेगी लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वो रियल इंटेंशन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के वक्त पार्टीज की थी उसके अकॉर्डिंग रेटिफिकेशन होगी फिर फर्दर ये सेक्शन क्या कहता है एंड सो फॉर दिस कैन बी डन विदाउट प्रिजुडिस टू द राइट एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट या इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से किसी थर्ड पर्सन के राइट्स एक्रू हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के राइट right बन रहे हैं और उसको इस गलती का पता नहीं था उसने गुड फेथ में किया था कोई कॉन्ट्रैक्ट तो फिर उस बंदे के राइट्स के अगेंस्ट रेटिफिकेशन नहीं होगी जहां पर थर्ड पर्सन के राइट्स अराइज हो जाएं जिसको इस फ्रॉड या म्यूचुअल के बारे में ना पता हो पार्टीज की, उसने गुड फेथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो फिर कोर्ट उसके राइट्स के अगेंस्ट जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट की रेटिफिकेशन नहीं करेगी अब कैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं इलेस्ट्रेशन देख लें हमारे पास चार पार्टीज है ए बी सी और डी ए अब अपना घर बेचना चाह रहा है बी को और वन ऑफ दी थ्री गोडाउन एडजस्टेंट टू इट और इस घर के साथ तीन मुल्हिका गोडाउन है इट एग्जीक्यूट अ कन्वीनस प्रिपेयर बाई वी अब होता क्या है इनके दरमियान कॉन्ट्रेक्ट हुआ घर बेचने का और ए ने कहा कि उन तीन गोडाउन में से कोई एक गोडाउन जो है वो बी को दे दिया जाएगा इस घर के साथ बी ने डीट तैयार कर ली डीट तैयार करते वक्त उसने फ्रॉड करके

और तीसरा गोदाम उसने दे दिया डी को और डी को कहा कि तुम इसको रेंट पर रख लो यानी कि उसके साथ लीज का एग्रीमेंट करके उसको ये गोदाम दे दिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें इस गोदाम के पैसे वसूल करता रहूंगा नीदर सी नॉर डी हैविंग नॉलेज ऑफ फ्रॉड अब यहां पर सी और डी के साथ जो बी ने फर्दर कॉन्ट्रेक्ट किए हैं सी और डी को बी के इस फ्रॉड के बारे में नहीं पता कि उसने ये गोदाम फ्रॉड करके ए से ले लिए हैं तो अब ऐसी सूरत में अगर ये बी रेटिफिकेशन फाइल कर देता है कोर्ट के अंदर तो फिर ये जो रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा ये सिर्फ और सिर्फ सी के अगेंस्ट होगा डी के अगेंस्ट रेटिफिकेशन नहीं होगी क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहां पर थर्ड पार्टी के राइट्स राइट हो जाए थर्ड पार्टी के राइट्स एक्रू होने के साथ साथ उसने गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हो उसको किसी किस्म के फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक के बारे में ना पता हो तो कोर्ट उसके राइट्स के अगेंस्ट रेटिफिकेशन नहीं करेगी अब यहां चूंकि उनके दरमियान रेंटल एग्रीमेंट हो चुका था वो बाकायदा रेंट पे कर रहा था तो उसके राइट्स को कोर्ट डिस्टर्ब नहीं करेगी बल्कि सी के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की रेटिफिकेशन करेगी क्योंकि सी को विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा था अगर रेटिफिकेशन हो भी जाती है तो सी के राइट किसी भी तरह नहीं होंगे। होंगे so, हमने क्या चीज़ डिस्कस की की कि रेटिफिकेशन किन सूरत में होगी जब या mutual mistake का element होगा। जब या का होगा, ये दोनों elements होंगे, किसी के अंदर तो फिर करेगी, लेकिन वो थर्ड पर्सन के के अगेंस्ट कभी भी जाकर रेटिफिकेशन नहीं करेगी जहां पर किसी थर्ड पर्सन के राइट्स इफेक्ट हो रहे हो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो के है सेक्शन 32 सेक्शन 32 डील करता है प्रिजम्पन एज टू इंटेंट ऑफ पार्टीज के पार्टीज की इंटेंशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट उससे मुतालिक कोर्ट क्या प्रिजम्पन देगी प्राइमरफिशाई प्रिजम्पन ऑफ द कोर्ट इस सेक्शन में डिस्कस की गई है सो सेक्शन क्या कहता है फॉर द परपज ऑफ रेक्टिफाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग के किसी भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करने के पर्पस के लिए मेन कॉन्ट्रैक्ट आपका रेटिफाई कि करना है अब यहां पर कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट ऑल पार्टीज देयर टू इंटेंडेड टू मेक एन इक्विटेबल एंड कॉन्शियस एग्रीमेंट अब ये सेक्शन सिंपली क्या कहता है कि जब कभी भी कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के अंदर आएगा कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट की रेटिफिकेशन का कोई सूट कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा तो प्राइमा फिशाई जो कोर्ट प्रिजम्पन लेगी वो कोर्ट ये देखेगी कि आया ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये इक्विटेबल है या नहीं है मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और उसके बाद अगर किसी एक पार्टी को लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से तो मुझे नुकसान होगा तो वो कोर्ट में जाकर रेटिफिकेशन का सूट फाइल कर दे तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसा नहीं होगा बल्कि पहली प्रिजम्पन कोर्ट ने यही लेनी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो इक्वेटेबल होना चाहिए बराबरी की बुनियाद पर ये कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वेटेबल और नॉट कॉन्ट्रैक्ट बराबरी की बुनियाद पर है या नहीं उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन थर्टी के ऊपर सेक्शन थर्टी क्या बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन अब ये रेटिफिकेशन के असूल बता रहा है सो सेक्शन थर्टी थ्री कहता है इन रेटिफाइंग इंस्ट्रूमेंट किसी भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई करते हुए द कोर्ट में इंक्वायर वट द इंस्ट्रूमेंट वॉज इंटेंडेड टू मीन अब पहली बात जो कोर्ट ने देखनी है वो क्या है इंटेंशन बिहाइंड इंस्ट्रूमेंट पहली बात इंटेंशन एंड वट वर इंटेंडेड टू बी इट्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेज सेकेंड चीज के उसके लीगल कॉन्सिक्वें क्या है एंड इज नॉट कन्फाइंड टू द इंक्वायरी द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड टू बी सो इंटेंडेडी थ्री में बेसिकली क्या बताया है कि जब कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट की रेटिफिकेशन कोर्ट करेगी तो सबसे पहली चीज उसने देखनी है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी असल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या है इस इंस्ट्रूमेंट को करने के लिए सेकेंडली

उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन थर्टी फोर के ऊपर सेक्शन थर्टी फोर बात करता है स्पेसिफिक इंफोर्समेंट ऑफ रेक्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जब रेटिफिकेशन हो गई तो उसकी इन्फोर्समेंट enforce, से मुतालिक बात की गई है कि उसकी इन्फोर्समेंट किस तरह से होगी सो सेक्शन थर्टी फोर कहता है कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे बी फर्स्ट रेक्टिफाइड पहली बात एंड देन प्लेटिव हैज सो प्रेड इन प्लेट एंड द अब इस सेक्शन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जब कभी भी कोर्ट के अंदर रेटिफिकेशन का सूट फाइल किया जाएगा तो सबसे पहले कोर्ट उस सूट को रेटिफाई करेगी उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं उनकी दुरुस्तगी करेगी उनकी तस्क करेगी लेकिन अगर तो प्लैंटिव ने अपने उसी सूट में साथ में ये प्रे भी की है साथ में ये इस्तद भी की है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट की जाए तो फिर कोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स भी करेगी ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल करते हो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए और फिर दूसरा सूट फाइल करते हो उसी कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए सो सेक्शन थर्टी फोर कहता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को खत्म करने के लिए जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आप एक सूट फाइल करो और उसके अंदर पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट so, की रेटिफिकेशन करवाओ और फिर उसके बाद उसी के साथ उसकी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट भी डिमांड करो सो so, ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 31 से 34 के ऊपर जिसमें हमने डिस्कस किया कि रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है किस तरह से किया जाता है किन एलिमेंट्स की बेसिस पे रेटिफिकेशन होती है फिर हमने देखा कि इनिशियल प्रिजम्पन कोर्ट क्या लेगी फिर उसके बाद हमने उसकी प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया और लास्ट में हमने उसकी इन्फोर्समेंट को भी डिटेल में डिस्कस किया है सो so, दे आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह